नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सुना ही होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के नियम का प्रयोग कैसे करना चाहिए, ये आज आप इस वीडियो को देख के प्रयोग करके खुद को इस वरदान के लाभ के लिए तैयार कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा दिया हुआ बेशकीमती वरदान है। यदि हम अपने चारों ओर के वातावरण को देखें और महसूस करेंगे तो प्रकृति ने हमारे लिए बहुत से नियम बनाए हुए हैं। आपने गुरुत्वाकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में ज़रूर सुना है या पढ़ा होगा। इस नियम के अनुसार पृथ्वी प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है। कोई भी चीज़ यदि हम ऊपर से छोड़ें तो धरती उसे आकर्षित कर लेती है और वह वस्तु नीचे गिर जाती है। यह नियम इतना सटीक है कि इसे यूनिवर्सल लॉ भी कहा जाता है। इसी प्रकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम भी हमें प्रकृति द्वारा ही दिया हुआ है। प्रत्येक सफल और असफल व्यक्ति जाने या अनजाने में इस नियम का पालन करता है। आकर्षण का यह नियम जो गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह सभी के लिए सभी जगह काम करता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस नियम को कोई व्यक्ति जानता है या नहीं, वह इसे मानता है या नहीं। जितने भी सफल व्यक्ति इस दुनिया में हुए हैं उन सभी ने इस नियम को सही तरीके से अपना कर ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है। यदि आपको जीवन में सफल होना है तो आपको भी इस नियम को जानना चाहिए। दोस्तों मैं आज आपको आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगी। आप आज जान सकेंगे कि आकर्षण का नियम क्या है यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मीनिंग क्या है, आकर्षण का नियम कैसे करता है काम, हाउ टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क, और हम देखेंगे कि आकर्षण का नियम के प्रयोग कैसे किए जाते हैं, हाउ टू यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम क्या है। आकर्षण का नियम हमारे विचारों से रिलेटेड है। यह नियम कहता है कि समान चीजें अपने ही समान चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारे विचार भी अपने ही समान विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस नियम के अनुसार जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वह चीज़ और उस प्रकार की अन्य चीज़ें भी अपने आप आपके जीवन में आ जाती है। इसको हम इस प्रकार बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पॉजिटिव विचार के बारे में सोच रहा है, इसका रिजल्ट यह होगा कि उस पॉजिटिव विचार के साथ ही साथ उस जैसे अन्य पॉजिटिव विचार भी अपने आप उसके माइंड में आ जाएंगे। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति किसी निगेटिव विचार के बारे में सोच रहा है तो इसका रीजन यह होगा कि उस निगेटिव विचार के साथ ही साथ उस जैसे अन्य निगेटिव विचार भी अपने आप उसके माइंड में आ जाएंगे। इस नियम का प्रयोग करके हम अपने जीवन में किसी भी मनपसंद चीज़ को, चाहे वह बहुत सा पैसा ही क्यों ना हो, अच्छी हेल्थ और अच्छी रिलेशनशिप, सभी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं।
और एक सफल जीवन जी सकते हैं। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जब हम किसी चीज़ के बारे में फुल फोकस होकर सोचते हैं तो वह चीज़ हमारे जीवन में आ जाती है। तो दोस्तों, हम इस नियम का प्रयोग कैसे करें? विज्ञान के अनुसार यूनिवर्स में हर चीज़ ऊर्जा से बनी होती है। मनुष्य, जानवर, धरती, आकाश, पृथ्वी व अन्य ग्रह कुछ भी हो, सब भी ऊर्जा से बने हुए हैं। ऊर्जा की डेंसिटी हर चीज़ में अलग अलग होने के कारण हर चीज़ हमें अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है। वास्तव में यूनिवर्स में सभी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है और वह एक ही ऊर्जा का अलग अलग रूप है। हम भी एक ऊर्जा है और जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं वह भी ऊर्जा ही है। ऊर्जा के अलग अलग रूप मनुष्य, जानवर, वस्तुएं आदि भी आपकी एक फ्रिक्वेंसी होती है। साथ ही आपको बता दूं कि हमारे विचार भी ऊर्जा का ही एक रूप होते हैं। साइंस कहता है कि ऊर्जा को ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता हो। विचार ऊर्जा का ही रूप है। इस विचार को किसी वस्तु में बदला जा सकता है क्योंकि कोई वस्तु भी ऊर्जा की ही एक रूप होती है। इस प्रकार हम विचार को वस्तु में बदल सकते हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में विचार करते हैं तो उसको पूर्ण आस्था यानी फुल फेथ के साथ सोचते हैं तो उस विचार की फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में चली जाती है। कुछ समय बाद उस वस्तु की विचार की फ्रिक्वेंसी उस वस्तु को लेकर और उस जैसी फ्रिक्वेंसी भी अन्य वस्तुओं को लेकर हमारे जीवन में प्रकट हो जाती हैं और हम उस वस्तु के मालिक बन जाते हैं। आज आपको जैसा जीवन मिला है, आज आपके पास जो कुछ भी है वह आपके द्वारा अतीत में सोचे हुए विचारों का ही परिणाम है। हम फोकस होकर जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वह हमें मिल जाती है। यदि आप नेगेटिव माइंडसेट के हैं तो उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में नहीं चाहते तो वही नेगेटिव चीज़ आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। इसके विपरीत यदि आप पॉजिटिव माइंडसेट के हैं और उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में चाहते हैं तो वही पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में प्रकट हो जाती हैं। क्लियर है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें मिलता है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जिस प्रकार आपका मोबाइल दुनिया के सभी मोबाइल से कनेक्ट है उसी प्रकार इस यूनिवर्स की प्रत्येक चीज़ की ऊर्जा एक दूसरे से कनेक्ट है। जब आप किसी अपने व्यक्ति से मोबाइल पर बात करना चाहते हैं तो उसका नंबर डायल करते हैं। जिसका आप नंबर मिलाते हैं उसी से आपकी बात हो जाती है। उसी प्रकार जिस फ्रिक्वेंसी का विचार आप यूनिवर्स में भेजते हैं उसी फ्रिक्वेंसी की वस्तु आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, सफलता के लिए आकर्षण का नियम का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए? जैसा कि आपको मैंने बताया कि विचार एक ऊर्जा है और प्रत्येक विचार की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। जब सफल होने के लिए हमें बस इतना करना है कि अपने विचारों की फ्रिक्वेंसी इस प्रकार से सेट करनी है कि वह उस वस्तु की फ्रिक्वेंसी से मैच हो जाए जिसे हम चाहते हैं। बाकी का कार्य यूनिवर्स खुद कर देगा।
दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कैसे करें और आपको अपने विचारों की फ्रिक्वेंसी को अपनी मनपसंद वस्तु की फ्रिक्वेंसी से कैसे मैच करें। पहला है, यह मैं आपको बता चुकी हूँ कि पूरा यूनिवर्स उसके और उसके अंदर की सभी चीज़ें ऊर्जा एनर्जी से बनी हुई हैं और प्रत्येक वस्तु व विचार की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। हमें बस अपने विचार की फ्रिक्वेंसी को मनपसंद वस्तु की फ्रिक्वेंसी से मैच करना है। यह वैसे ही होता है जैसे रेडियो को हम किसी विशेष फ्रिक्वेंसी पर ट्यून करके अपना मनपसंद प्रोग्राम सुनते हैं। दूसरा है, सबसे पहले आप जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो अच्छी हेल्थ हो या ढेर सारा पैसा या किसी से अच्छा रिलेशनशिप इत्यादि, इसे पाने की प्रबल इच्छा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आपके अंदर होनी चाहिए। इस इच्छा को आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छी तरह काम करेगा। दोस्तों, इसके बाद आपको अपनी इच्छा के बारे में यूनिवर्स को बताना होगा। आपको अपनी मनपसंद चीज़ यूनिवर्स से मांगनी होगी या कहें तो उसे आदेश देना होगा कि वह आपको आपकी मनपसंद चीज़ ला कर दे। आपका यह आदेश क्लियर और पॉजिटिव शब्दों का होना चाहिए। आदेश देने के तुरंत बाद आप इसे एक कागज पर लिख दें। आपको प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में लिखना है। उदाहरण के लिए, जैसे मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने अपना मनपसंद घर खरीद लिया है। इस कागज को ऐसी जगह पे रख दे जहाँ आप इसे दिन में कई बार देख सकें। इसके बाद आपको खुद को यह यकीन दिलाना होगा कि आपकी मनपसंद चीज़ आपके पास है। इसके लिए आपको अपने मनपसंद चीज़ के विचार के साथ अपने विश्वास और आस्था को जोड़ना होगा। आस्था वह फीलिंग है जिसे आपको अपने मनपसंद चीज़ के विचार के साथ जोड़ देना होगा, जिसकी वजह से आपकी फ्रिक्वेंसी उस वस्तु की फ्रिक्वेंसी से जल्दी से मैच होगी और आदेश का पालन जल्द से जल्द होगा। इसके बाद अपना विचार या आदेश यूनिवर्स को देते समय आप में कैसी फीलिंग्स होती है, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको खुद को बार बार यह विश्वास दिलाना होगा कि वह चीज़ आपके पास ही है और उस चीज़ के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद देते रहना होगा। आपकी आस्था या फीलिंग्स जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, उतनी जल्दी यूनिवर्स आपका काम पूरा करेगा। उसके बाद इतना करने के बाद आपका काम समाप्त हो जाता है और यूनिवर्स का काम शुरू हो जाता है। आपकी आस्था या विश्वास की क्वालिटी के हिसाब से यूनिवर्स उस चीज़ को आपको देने में समय लगेगा और बाद में वह चीज़ आपको मिल जाएगी। दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स जो कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते समय प्रयोग करते समय ध्यान रखना है। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही से तभी कार्य करता है जब आप अपनी मनपसंद चीज़ को पाने के लिए एक्शन भी लेते हैं। एक्शन लेने या कार्य करने से आपकी आस्था विश्वास की सबसे ऊपरी लिमिट बढ़ती जाती है। यूनिवर्स के लिए समय और दूरी और मांगी गई चीज़ की मात्रा कोई मायने नहीं रखती। कोई चीज़ आपको मांगने के बाद कम मिलेगी, कितनी मिलेगी, यह आपकी फ्रिक्वेंसी की क्वालिटी यानी आस्था पर निर्भर करती है। उतनी
बड़ी चीज या उतनी मात्रा में कोई चीज मांगो जितना आप विश्वास कर सको कि आप वह चीज प्राप्त करने लायक हो। यूनिवर्स अच्छी या बुरी चीज में कोई फर्क नहीं कर पाता, उसे तो बस फ्रिक्वेंसी से मतलब है। जैसी फीलिंग्स की फ्रिक्वेंसी आप भेजोगे वैसी ही चीज आपको मिल जाएगी। आकर्षक का नियम प्रकृति का वरदान तभी है जब आप इसे अच्छे कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। यदि आप इसे गलत कार्यों के लिए नेगेटिव फ्रिक्वेंसी सेट करके आदेश देते हैं तो यह आपके और समाज के लिए अभिशाप भी बन सकता है। यूनिवर्स से जब भी कोई चीज मांगो या आदेश दो तो यह क्लियर और सकारात्मक शब्दों का होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स शब्दों से उत्पन्न होने वाली फीलिंग्स को पकड़ लेता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। उदाहरण के लिए यदि ए लिखता है कि मैं अमीर बन सकता हूँ और बी लिखता है कि मैं गरीब बने रहना चाहता, वैसे तो दोनों का मतलब अमीर बनना ही है, तो यूनिवर्स ए का अमीर शब्द पकड़ेगा और बी का गरीब शब्द पकड़ेगा और उनके शब्दों के हिसाब से परिणाम देगा। इस नियम को अपनाते समय आपको यूनिवर्स पर शंका नहीं करनी चाहिए। यदि आपने किसी चीज़ का आदेश यूनिवर्स को दिया तो आपको यह नहीं सोचना कि यूनिवर्स इसे कैसे पूरा करेगा, यूनिवर्स अपने काम को कैसे अंजाम देगा, यह उसका काम है। आपका काम तो आदेश देने के बाद पूरे विश्वास के साथ इंतजार करना है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही से यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको इस नियम के बारे में और अधिक जानना है तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।